इमेजिन बिग मोम और काइडो अभी भी जिंदा है। लावा में जाने के बाद भी वो समहाउ सर्वाइव कर गए होंगे तो क्या होगा? वेल, दिस इज़ अनदर ओरिजिनल थ्योरी एंड ये वन ऑफ द थ्योरी है जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन ये होने कभी भी नहीं वाला। इतना फुद्दू हरकत अगर होते हुए दिख गया तो फिर वन पीस ही नहीं रहेगा। टाइम पास को थोड़ा साइड में रख के थ्योरी बताना चालू करता है मैं, लेट्स बिगिन। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि क्यों बिग मॉम काइडो मेरे हिसाब से ज़िंदा है। पहली बात तो वो योंको थे, एंड वन पीस में जब तक किसी की डेथ 100% कन्फर्म नहीं होती तब तक उनको डेड नहीं माना जा सकता। दूसरी बात कि बिग मॉम और काइडो दोनों का जो शरीर और फ्रूट है ना, वो एकदम परफेक्ट है लावा में सर्वाइव करने के लिए। काइडो जिस पे फिश फ्रूट का मिथिकल मॉडल है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो पानी में तो नहीं बट लावा में स्विम कर पाए। एंड काइडो का जो फाइनल अटैक था लूफी के अगेंस्ट, उसमें उसने अपने आप को हत गरम आग के ड्रैगन से कवर कर लिया था। ही कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। एंड बिग मॉम वो तो नॉन लिविंग चीज़ों को सोल देके जिंदा कर सकती है, तो इट्स पॉसिबल कि वो लावा को भी अपना सोल खिला के जिंदा कर दी होगी शायद। एंड वो भी मोटी चमड़ी है, सर में प्रोमेथियस लेके घूमती है हरामखोर। तुम्हें लगता है वो लावा में डूब के मरेगी? मुझे तो नहीं लगता। तो अगर वो दोनों जिंदा है तो वो क्या कर रहे हैं अभी और एग्जैक्टली कहाँ पे है वो? इसका आंसर है बिग मॉम पायरेट्स। आई थिंक बिग मॉम काइडो लावा में सर्वाइव कर लिए कैसे तैसे करके, एंड उनको बाद में वानो में जो बिग मॉम पायरेट्स थे स्मूदी वगैरह वो लोग रेस्क्यू कर लिए। लेकिन हमें बिग मॉम पायरेट्स का मतलब स्मूदी लोगों का क्या हुआ है उनके साथ ये भी नहीं पता, वो कहाँ पे है पता नहीं। तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि उन लोगों ने बिग मॉम और काइडो को रेस्क्यू कर ही लिया होगा। दिस इज़ अ वेरी वीक पॉइंट आई थिंक, बट लेट्स इग्नोर इट, क्योंकि मैंने जैसा बोला ना कि बकवास थ्योरी है ये, तो जस्ट इन्जॉय द थ्योरी, लॉजिक मत ढूंढो लमाओ। तो अगर स्मूदी लोगों ने बिग मॉम और काइडो को कैसे तैसे रेस्क्यू कर लिया है तो क्यों अभी तक उनके तरफ से हमने कुछ हरकत नहीं देखा है? क्योंकि शायद बिग मॉम काइडो अभी भी अनकॉन्शियस है। वो कैसे तैसे सर्वाइव तो कर लिए बट वो लोग पिटे थे राइट, तो आई थिंक उस डिफीट के बाद ये अभी तक उठे नहीं हैं शायद। वेल, ये सब इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर ये फॉलन योंकोस अभी भी ज़िंदा है तो क्या होगा? कलेश होगा दोनों के बीच। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों बिग मॉम काइडो हारे ज़रूर थे, लेकिन दोनों हारते टाइम एकदम अलग थे। एक तरफ काइडो था जो हारते टाइम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड और खुश था, उसको जॉय बॉय से मिलना था और वो जॉय बॉय से मिला, उसको एक फ़न फाइट मांगता था और उसको वो भी मिला, उसने जॉय बॉय को दुनिया को चेंज करने के लिए एक क्रूशल स्टेप लेते हुए भी देख लिया। काइडो डिफीट के बाद काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड था, वेरस बिग मॉम उसके डिफीट के आइडिया से ही सुलगने लग जाती थी, और जब वो हारी तब भी वो फेयर फाइट में नहीं हारी थी। बिग मॉम गिरते टाइम भी हल्ला मचा रही थी, काइडो मस्त शांति से अपना डिफीट एक्सेप्ट कर लिया था और बिग मॉम की उसके डिफीट से किलस गई थी। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है अगर ये दोनों जिंदा है तो। काइडो का विश लूफी ने फुलफिल कर दिया, इसलिए काइडो के पास रीज़न नहीं है लूफी के अगेंस्ट ग्रज रखने का, और बिग मॉम के ड्रीम को लूफी के लॉ ने डिस्ट्रॉय कर दिया। वो पायरेट किंग के सपने दिखती थी और डिफीटेड योंको का स्टैंप लग गया उस पर, तो लॉ किड और स्पेशली लूफी के अगेंस्ट भाई बहुत खतरनाक ग्रज होगा, विच इज़ वाई बिग मॉम एम करेगी लूफी के डिस्ट्रक्शन को। लेकिन लव, बिग मॉम को तो किड लॉ ने हराया ना, तो फिर वो लूफी को क्यों टारगेट करेगी? बम्बू, योंको कौन बना? लूफी ना। और किसका मुंडी उखाड़ने बिग मॉम वानो आई थी? लूफी का ना। किसके डिफीट से बिग मॉम जैसी का फ़ायदा होगा? लूफी का ना। तो वो किसको मारने की कोशिश करेगी? लूफी को। एंड काइडो क्या करेगा? वेल, काइडो लूफी की तरह से लड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि काइडो जॉय बॉय को एडमायर करता है, या था, जो भी, अगर वो जिंदा है तो करता है, अगर मर गया है तो था, और वो इंटरेस्टेड है देखने में कि जॉय बॉय कैसे इस दुनिया को चेंज करेगा, और आई शुड से कि वो ये देखने में इंटरेस्टेड होगा कि जॉय बॉय कैसे एक नया दुनिया बनाएगा, विच इज़ वाई ही माइट प्रोटेक्ट दी जॉय बॉय फ्रॉम अ फॉलन योंको, इवन इफ इट मीन्स बिट्रेइंग द ट्रस्ट ऑफ द सेम फॉलन योंको। एंड जैसे कि सबको पता है कि फाइनल वॉर होगा आने वाले कुछ सालों में, तो उसमें बिग मॉम अटेम्प्ट कर सकती है लूफी को मारने का, और काइडो अटेम्प्ट शायद से करेगा बिग मॉम को रोकने का। वैसे अगर इन दोनों के बीच फाइट हुआ तो जीतेगा कौन? फीट्स वाइज तो ओडा ने बिग मॉम को मजाक बना दिया, तो काइडो के पास शायद अपर हैंड होगा,
बट काइडो बिग मॉम को ओडा ने ही एज इक्वल पोर्ट्रे भी किया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि लड़ते लड़ते दोनों ही एक दूसरे को भर दें या दोनों ही मर जाए। एंड अगर ऐसा हुआ तो काइडो को विनर मानना सही रहेगा शायद, क्योंकि वो लूफी को तो बचा ही लिया ना। बिग मॉम अगर मर जाएगी तो लूफी बच जाएगा, काइडो का जो काइडो चाहता था वो हो जाएगा, एंड काइडो उसके बाद मरे उसको क्या उससे भाई, उसको अपने डेथ से फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। अब इस पे जो कोई भी ज्ञान पिलने वाला है कि लव तू गवार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाम्बू इस वीडियो के पहले वर्ड को वापस से सुनो और समझो, बकवास बातें कर रहा है मैं, मुझे पता है मैं यही बोल के चालू किया कि मैं बहुत बकवास थ्योरी बताने वाला है, बट ये बकवास आई थिंक अगर हुआ तो कितना स्टूपिड और एपिक होगा ना वो चीज़ भाई, सोचो। एंड दैट्स इट, ज़्यादा भी मत सोचो, ठीक है? गंद था ये वीडियो, ठीक है? और गंद वीडियोज़ देखनी है तो सब्सक्राइब, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।